हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। ऊपर नीला आसमान, नीचे डेजर्ट। हम हाथी की सवारी भी करना पसंद करेंगे। सो गाइस, दिस इज अमेर फोर्ट। हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं जयपुर के लिए। कोई सस्पेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आपको बता दिया हम लोग जा रहे हैं जयपुर, क्योंकि हम लोगों ने एक पोल डाला था। उस पोल में हम लोगों ने ये पूछा था जयपुर, मुंबई या लखनऊ, कौन सी ट्रिप करें। तो मुंबई को वोट ज्यादा मिले थे, बट सेकंड नंबर पे आ रहा था जयपुर। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि मुंबई हम लोगों को पड़ जाएगा जयपुर से 3 गुना ज्यादा। तो क्योंकि बच्चे हमारे अभी हैं दिल्ली में नानी के पास और ठंड है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम मुंबई को अवॉइड कर रहे हैं। सेकंड नंबर वाला जो जयपुर है उसको पकड़ रहे हैं। और मौसम पीछे आपको शायद दिख ही होगा, इतनी ज़्यादा धुंध है। अभी मैं किसी अननोन जगह पे खड़ा हूँ, जयपुर से अभी भी मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ। बट हम लोग जयपुर से पहले कोई एक जगह पड़ती है, वो थोड़ा सा सरप्राइज है, आप आके वीडियो में देखना। वहाँ पर रुकेंगे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद शाम तक हम लोग या कल जयपुर पहुंचेंगे। मतलब इतनी ज्यादा धुंध है, हम जब निकले थे घर से तो ऐसे लग रहा था आज तो बहुत अच्छा मौसम है, नोएडा तक आए सब कुछ सही था, और यहाँ पे आते ही धुंध। मतलब 40 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, कहाँ अभी थोड़ी देर पहले 120 की स्पीड पे दौड़ाई थी, अब सीधा कछुए की चाल पे आ गए हम। फाइनली राजस्थान पहुंच गए हैं, और अच्छी न्यूज ये है कि सूर्य देवता बाहर निकल आए हैं। वो कहते हैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ। तो हम लोग सबसे पहले रुकेंगे दीग पैलेस में। ये छोटा सा एक गांव पड़ता है जयपुर से पहले, तो यहाँ जाते हैं, इस पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं। सुना है बहुत अच्छा और बहुत पॉपुलर है। अब हम जाते हैं, रूट भी क्लियर कर दो साहब। 173 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, राइट, दिल्ली से आपको 173 किलोमीटर पड़ेगा ये गाँव दीग, और यहाँ पर एक पैलेस जहाँ हम अभी जा रहे हैं। सो गाइज, ये है हमारा दीग महल, और दीग महल को दिखाने से पहले मैं आपको अपने गाइड भैया से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है लोकेश भैया जो हमें यहाँ पे मिले, ये हमें इस महल के बारे में सारी डिटेल्स देंगे। हाँ जी भैया, शुरू कीजिए। ये जो मैम पैलेस है, जाट शासक महाराज सूरजमल ने बनवाया था। समर में महाराज यहाँ रहते थे और विंटर में भरतपुर रिहा करते थे। अच्छा, तो इस पैलेस को इस हिसाब से बनाया गया है, जैसे समर में रहने के लिए तो जैसे अलग अलग भवनों का काम करवाया गया था। और जैसे कि ये जो आप सागर देख रहे हो, ये है गोपाल सागर। अच्छा, और बिल्डिंग के उस तरफ है रूप सागर। अच्छा, जिसका जो पानी का कनेक्शन है वो बिल्डिंग के अंडरग्राउंड सप्लाई होता है। अच्छा, जब ये सागर फुल हो जाता है पानी ऑटोमेटिक रूप सागर में जाने लग जाता है, और रूप सागर फुल हो जाता है तो पानी फोर्ट की तरफ जाने लग जाता है। अच्छा, इसका जो पानी है वो गुड़गांव कैलान नहर से आता है। इस बिल्डिंग का जो आप सारा स्टोन देख रहे हो, उसे सैंड स्टोन के नाम से जाना जाता है, बलुआ पत्थर। ये राजस्थान भरतपुर का ही है, बंसी पहाड़पुर का। अभी जैसे अयोध्या के लिए जो सैंड स्टोन जा रहा है वो यही बंसी पहाड़पुर से ही जा रहा है। यही सेम स्टोन लगेगा वहाँ पे। बाकी रेड फोर्ट में और बुलंदशहर में आपने देखा होगा वो रेड सैंड स्टोन है, लाल बलुआ पत्थर, ये सैंड स्टोन है बलुआ पत्थर। तो जैसे कि इसमें ये हो गया सावन भवन। सावन का महीना आता था तो सावन में यहाँ बैठ के बार सुखा लुप्त उठाई करते थे। और ये जो है गोपाल भवन। अच्छा, इसे हम बैक साइड से देख रहे हैं अभी, तो ये 4 मंजिल नजर आ रहा है। दाएं बाएं से देखेंगे तो ये 2-2 मंजिल नजर आएगा। हाँ। और फ्रंट से देखेंगे तो 1 मंजिल नजर आएगा। अच्छा। ये इस गोपाल भवन की खासियत है। अच्छा। और ये उस तरफ है भादो भवन, सावन भादो, और बीच में है गोपाल भवन। हाँ। चलो अब चलते हम अंदर की तरफ, मेन भवन की तरफ। ये थी बैक एंट्री इसकी, अब मेन एंट्री की तरफ चलते हैं। हाँ, ये जो है सिंगपोल गेट, ये यहाँ का मेन गेट है। और इस पे जो है ये 2 लॉइन देख रहे हो सर आप। हाँ। ये 2 लॉइनों के बीच में एक तरफ एलिफेंट है, एक तरफ लॉइन है, बीच लाइन से। हाँ, हाँ, ये महाराज का मोनोग्राम हुआ करता था, उनका सिंबल। हाँ, जैसे अपनी अपनी रियासतों के जो सिक्के मोहर लगाते हैं, मोहर हुआ करती थी। हाँ, झंडे हुआ करते। हाँ, थे, तो उनका ये मोनोग्राम हुआ करता। अच्छा, था। और इसके अंदर जो है ये चारों कॉर्नरों में कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं हैं। हाँ, जो गांव के साथ में और राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ में। हाँ, ये मुरली बजाते हुए चारों कॉर्नरों में कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं लगी है। ये वो वाले फाउंटेन है जो अभी इन्होंने बताए हैं, हमारे गाइड साहब ने बताया है। तो ये अगर आपने देखने हैं तो आपको फरवरी में आना पड़ेगा, और ये पूरी तरीके से
जैसा उनका मतलब आप बता रहे थे वही वाला सिस्टम अभी चलता है। जैसे कि महाराज समर में यहाँ रहते थे तो इसको जल महल के नाम से तो लोग जानते ही हैं, एक्चुअल में इसको समर पैलेस के भी नाम से जाना जाता है। जैसे जब समर के महीने आते थे तो जैसे बारिशों के सावन भादो तो ये सावन भवन है, सावन का महीना आता था तो सावन में यहाँ बैठ के महाराज बारिशों का लुत्फ उठाया करते थे। और बीच में जो है गोपाल भवन, इसे हम बैक साइड से देखते हैं तो फिर फोर मंजिल नजर आता है, लेफ्ट और राइट साइड से देखते हैं तो टू टू मंजिल नजर आता है, फ्रंट से देखते हैं तो ये वन मंजिल नजर आता है। और ये गोपाल भवन के उधर साइड में भादो भवन, सावन में यहाँ बैठा करते थे और भादो में वहाँ बैठा करते थे। अभी जो गाइड ने बताया हमारे कि ये जो सामने पैलेस बना है ये सामने से आपको दो मंजिल का दिख रहा है, तो इसको अलग अलग साइड से अगर आप देखेंगे तो ये तीन मंजिल का भी दिखेगा और चार मंजिल का भी दिखेगा। ये जो सामने आप झूला देख रहे हो इसे हिंदी में कहा जाता है हिडोला, और ये जो है नूर जहाँ का झूला हुआ करता था, और ये नूर जहाँ को फौरन से गिफ्ट में मिला था। जब मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी तब यहाँ की थर्ड पीढ़ी महाराज जवाहर सिंह ने 1768 में दिल्ली फोर्ट अटैक किया और वहाँ से ये संगमरमर का झूला जीत कर लेके आए थे। पूरा जो है संगमरमर पर, और इस पर जो लेख लिखे हुए हैं ये अरबी भाषा में है, ये सन 1630 और 1631 के ये लेख हैं। इस पर किसी शासक का नाम दिए बिना ही चार वर्षों के शासन लेख का उल्लेख लिखा हुआ है। चार वर्ष के जी, ये लास्ट शासक रहे थे महाराजा बिजन सिंह 1929। ये उनके टाइम का गीजर हुआ करता था बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के। इस भट्टी में कोयले जला दिए जाते थे। अच्छा। बेस धुआं पाइप से होके छत से होके ऊपर निकल जाया करता था। हाँ। और इस टंकी में भाप से पानी बॉइल होके टॉयलेट बाथरूमों में जो है ठंडा गर्म पहुंचा करता था। वो पाइपलाइन पूरी गई ऊपर जी, उस 1929 ये गीजर है ना, ये गीजर भाई देख लो भाई, ये गीजर है उस टाइम का और ये सारी ऊपर पाइपलाइन जा रही है, क्या बात है, ये यूनिक चीज देखिए, ये यूनिक चीज और वो भी उस टाइम पे अवेलेबल होना बहुत। और ये जो है सीपरो को मेन गेट से एंट्री नहीं दी जाती थी। हाँ। तो सीपर यहीं सीढ़ियों से जाके क्लीनिंग करके यहीं से एग्जिट हो जाए। अच्छा। करते। अच्छा अच्छा, सफाई कर्मचारी जितने भी जी। ये जो आप अंदर देख रहे हो ये हनुमान जी का टेम्पल है जो हकीक स्टोन से बना है। हकीक स्टोन, हकीक नीला मूगम पुखराज जैसे अपन लोग अंगूठियों में पहनते हैं ना, तो ऐसे इस तरीके के नक्शे सिंगल स्टोन में इस प्रतिमा को तराशा गया है। सिंगल में जी। और ये जैसे कहें इसे इंग्लिश में बोलते हैं अगेट। और ये जो प्रतिमा है बहुत खास प्रतिमा है और इसमें एक साथ जो है पांच दर्शन दर्शाए हुए हैं वो अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये वो प्रतिमा है जो हकीकी स्टोन से बनी है और इसमें पांच दर्शन दर्शाए हुए हैं। कंधों पे जो बैठे हुए हैं ये राम लक्ष्मण है, ऊपर जो है ये संजीवनी बूटी है, नीचे जो है ये पाताल देवी है, से अही रावण लेके गया था। जिसपे ये चोला चढ़ा हुआ है ये हनुमान जी का छोटा स्वरूप है। हनुमान जी तब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे तब रास्ते में भरत जी ने ब्रह्म बाण चलाया था, ये ब्लैक कलर का निशान उनके उस पेड़ पे तीर का दर्शाया हुआ है। और ये ऐसे करके इस प्रतिमा में पांच दर्शन जो है ये नशे ऐसे करके इस प्रतिमा में पांच दर्शन एक साथ दर्शाए हुए हैं। यहाँ मॉर्निंग में पर डे 1000-2000 यात्री ये ब्रज 84 कोस में आता है, तो यहाँ दर्शन करके 84 के लिए तब आगे जाते हैं। सुबह अब ये वाली बिल्डिंग के बारे में बताओ, ये इसकी क्या स्टोरी है? ये जो आप सफेद बिल्डिंग देख रहे हो ये मुगल बादशाहों के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। अच्छा, पढ़ने के लिए। इसको भी महाराज जवाहर सिंह 1768 में दिल्ली फोर्ट अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट अटैक किया था, तब इस मदरसे को वहाँ से जीत कर ले आए थे। मदरसा कैसे जीत कर ले आए थे? नहीं, मैं मुझे ये नहीं समझ आया कि पहले आपने जब शुरू में बताया था ये हिंदू राजाओं से रिलेटेड है, बट पहले ये मुगलों का था? नहीं नहीं नहीं, कारण रहा था 1763 में महाराज सूरजमल की दैत दिल्ली मुगल युद्ध के दौरान हो गई थी। हाँ। तो उनके बेटे का नाम था महाराज जवाहर सिंह। हाँ। जो जैसे उनकी मौत के बाद उन्होंने अपने पिता का पद संभाला। हाँ। तो पद संभालने के बाद जैसे उन्हें लगा कि मुझे अपने पिता का बदला लेना चाहिए। हाँ जी। तो तब इन्होंने तब वहाँ शासक थे नवाब वजीर निजबोदौला। हाँ। और मोहम्मद शाह अब्दाली। हाँ। दिल्ली। हाँ। तब इन दो परम मित्रों को हरा के ये सारा कारनामा किया था। अच्छा। और ये दिल्ली फोर्ट अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट अटैक किया, तब इसको पीसेज बाई पीसेज उखाड़ा गया था। हर एक पीस उखाड़ा उस पर नंबर डाला, हर एक पीस उखाड़ा उस पर नंबर डाला, वहां से लाके उन्हीं नंबरों से इसको यहाँ असेंबल कर दिया गया था। क्या पूरा जो है पूरा जो है संगमरमर का है। हाँ। इसमें सीमेंट चूने का यूज जितना नहीं है। हाँ। जितना इंटरलॉकिंग कील्सों का है जो गेटों में दिख रही है ब्लैक कलर की। अच्छा। ये कील जो है ऐसे अंदर एक दूसरे में फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। और इन्हें ठोक के पूरा की पूरा मदरसा यहाँ संभल कर दिया था। क्या बात है, बहुत कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उस टाइम में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, वन ऑफ अ यूनिक थिंग ना। ये जो मैम आप पार्क देख रहे हो
ये बिल्डिंग का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, 1722 में महाराज बदन सिंह ने बनाया था। ये पहले इस महाराज ने अपनी दासियों के लिए दे दिया था। दासियों का जो भी फंक्शंस हुआ करता था वो यहाँ अरेंज किया करते थे। अच्छा। अभी इस मदरसे का नाम सूरज भवन रख दिया गया है। हाँ। और इस पार्ट का नाम हरदेव भवन रख दिया गया है। कितने पार्ट्स है वैसे? जैसे आपने कहा ना ये पहला पार्ट है, जैसे महाराज के टाइम में यहाँ ऐसे बहुत सारे जो है अपने क्षेत्र में ऐसी रियासतें बनाई थी। हाँ। तो इसमें जो पार्ट है, जैसे उनमें ज्यादातर भवनों के नाम कृष्ण भगवान के नाम पे, हाँ, जैसे हरदेव भवन, गोपाल हाँ, भवन हाँ, आगे किशन भवन मिलेगा हाँ, केशव भवन, बारादरी मिलेगा हाँ, तो ऐसे इसमें हर एक पार्ट के नाम डले हुए हैं। ये जो आप शैलियां देख रहे हो इनको पित्रा ड्यूरा शैली के नाम से जाना जाता है। लोग आज इन्हें इल्ले बर्क के भी नाम से जाना जाता है। इनकी स्टार्टिंग रोम से हुई थी। सन 1600 शताब्दी में ये आर्ट इंडिया में आया था। ये जो आप देख रहे हो किशन भवन, महाराज का कॉन्फ्रेंस हॉल, दीवाने खास, पर्सनल मीटिंग जो है अंदर अरेंज किया करते थे। इस पैलेस का जो सारा फर्नीचर है ये अखरोट की लकड़ी से निर्मित है, टोटल सारे पैलेस के अंदर अखरोट की लकड़ी। और ये है दीवाने आम, यहाँ इस स्टेज पे महाराज की चेयर लग जाया करती थी। इन हुक्कों में टेंट बन जाया करते थे। आम लोगों की सुनवाई यहाँ से किया करते थे और खास मीटिंग जो है अंदर अरेंज किया करते थे। So guys, मैंने जब दूर से देखा मुझे लगा ये भी कोई भवन है, लेकिन जब पास आई तो पता लगा यहाँ पे फाउंटेन्स हैं। तो अब फाउंटेन्स के बारे में भैया से पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये, इसका सिस्टम बताओ भैया। ये है केशव भवन बारादरी। इसके ये जो पिलर्स हैं अंदर से हॉलो हैं जिनमें पानी की अष्ट मटेरियल की लाइन्स डली हुई है। और इसमें ये लगभग छोटे छोटे दीवारों में 350 फाउंटेन्स हैं दोनों स्टैचू में। अच्छा, बिग स्टैचू, स्मॉल स्टैचू, तो इसकी छत जो है डबल हो जाती है। ये जो है ये छोटे छोटे फाउंटेन्स जी लगभग 350 फाउंटेन्स इस भवन में। और इनकी पाइपिंग मेरे ख्याल इन हॉलो जो पिलर्स है इनके अंदर है जी। ये पिलर जो है अंदर से हॉलो है। इसकी जो छत है वो डबल छत है, जिसकी छत में मोटी मोटी अष्ट मटेरियल की बॉल्स पड़ी हुई है। जब महाराज साहब सामने इस बरामदे में बैठा करते थे तो उसी टैंक से पानी का प्रेशर छोड़ा जाता था। प्रेशर से वो जो बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे से टकराती थी, और टकराने के बाद इन पिलरों में से ऐसे आवाजें निकलती थी कि ऐसे जानो कि सावन भादों में जैसे बादल गड़गड़ाने की आवाजें इन पिलरों में से आती हो। क्या बात। और इन फाउंटेन का वर्क क्या था, इनसे चारों तरफ कलर पर्दे बन जाया करते थे। किसी को ये नहीं पता होती थी कि महाराज साहब के साथ में अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। ये फाउंटेनों की हाइट 15 फीट से ऊपर चली जाती है तब ये फाउंटेन चलते हैं। ये बहुत यूनिक चीज हुई, मतलब जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि ये जो छोटे छोटे फाउंटेन्स बने हैं इससे पर्दा बन जाता था। हाँ। जब वो मतलब फाउंटेन्स चलते थे, मतलब प्रेशर पानी का इस हिसाब से होता था कि वो कवर कर देता था। तो प्राइवेसी, मतलब राजा की प्राइवेसी ये हुई कि पर्दे पानी के पर्दे हो गए। हाँ, पानी के पर्दे हो गए। और जैसे महाराज को किसी को पता नहीं होती थी कि महाराज साहब के साथ में अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, ये उनकी मिलने जुलने की जगह हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम केशव भवन बारादरी रखा हुआ है। ये है नंद भवन। ओके, महाराज का रेसलिंग हॉल। रेसलिंग हॉल, इसमें रेसलिंग रेसलिंग हॉल, राइट। इसमें रेसलिंग किया करते थे, साथ साथ पहलवानों को तैयार किया करते थे। अच्छा। और इसकी जो छत है अंदर वो लकड़ी की छत है, और इस पे बॉल्स टंगी हुई है जिन्हें लास्ट शासक महाराजा बिजन सिंह बेल्जियम से लेके आए थे। बेल्जियम के गिलासेज और ये बहुत फेमस हुआ करते हैं। तो पहले चिमनियां हुआ करती थी मिसाल, उनको जला जला के पिलरों बाई पिलरों पे टांग दिया जाता था। जब उनका फॉक्स इन बॉल्सों पे पड़ता था तो येलो कलर की वो येलो कलर की तरह चमकने लगती थी, रेड कलर की वो रेड कलर की तरह चमकने लगती थी। और इसमें अंदर झरोके बने हुए हैं जो सैंड स्टोन में मार्बल के कुछ कुछ पीसे असम्बल किए हुए हैं, जिन्हें महाराज जवाहर सिंह दहली से जीत कर लेके आए थे। और जैसे बाहर रेसलिंग करने के बाद इसमें स्विमिंग किया करते थे। ये स्विमिंग पूल भी है, शैलो और डीप दोनों है। मतलब कि बहुत डीप है। नहीं, मुझे तो कितने फीट का होगा भैया ये, समथिंग यहाँ से 15, अच्छा वहाँ से 8-7। अभी हम लोग निकल चुके हैं अपना फोर्ट से, बाहर आ चुके हैं, तो अभी हम लोग थोड़े से लेंगे अमरूद, अपना नाश्ता करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे भरतपुर की तरफ। भरतपुर में क्या है अब ये, वहाँ जाके थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी हम, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या मिलता है हमें भरतपुर में। भरतपुर से फिर हम लोग जाएंगे जयपुर।